खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। ओम प्रकाश, कुल मिलाकर ये तीन बड़ी खबरें जो सामने आ रही हैं वो यही दिखा रही हैं कि इमरान खान हर मुद्दे पर भारत से हारे और अब आखिर में सिर्फ और सिर्फ आतंक के सहारे। बिल्कुल रोमाना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो मुद्दा पाकिस्तान उठाना चाहता था उस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं भी समर्थन नहीं मिला। इसके बाद पाकिस्तान को लगा कि उसके पास केवल एकमात्र चारा है कि वो आतंकवाद के जरिए अपनी बात को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दिखा सकता है, क्योंकि अगर आतंक की कोई बड़ी वारदात कश्मीर या भारत के किसी अन्य हिस्से में हो जाती है तो अपने आप में तब पाकिस्तान इस बात को उठाएगा कि देखिए धारा 370 हटने के बाद ये स्टेप आतंकवादी ले रहे हैं जिसमें मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अपनी प्लानिंग में खुद ही एक्सपोज हो रहा है। मसूद अजहर को उसने रिहा किया है, जबकि मसूद अजहर को पहले ये कह के डिटेन किया गया था कि उन्हें डिटेन किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी तबीयत खराब थी, उसका इलाज कराया गया और इलाज होने के बाद उसको छोड़ दिया गया है। धारा 370 हटने के बाद मसूद अजहर ने पहली बार लश्कर और जैश के आतंकवादियों को गाइडलाइन जारी की है, और जो गाइडलाइन जारी की है वो अपने आप में बताती है कि वो अपने आप में कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला है।